नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 25 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के इस पंचायत को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। बिहार के सरकारी स्कूल में होगी अब हाई टेक पढ़ाई। हर खेत के सर्वे का काम हुआ बाधित। बिहार में अगले 24 घंटे में बढ़ेगा तापमान। कोविड-19 संकट पर एक्शन में आई मोदी सरकार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के इस पंचायत को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। बिहार के समस्तीपुर जिले के मोहनपुर पंचायत ने अपने नाम नया कीर्तिमान दर्ज कर लिया है, जिसके तहत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर समस्तीपुर प्रखंड के मोहनपुर पंचायत को साल 2019-20 के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। स्थानीय स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम के अवसर पर जिला पंचायती राज पदाधिकारी अनुग्रह नारायण सिंह ने पंचायत के मुखिया खुशबू कुमारी को प्रमाण पत्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत के खाते में 15 लाख रुपए हस्तांतरित भी कर दिया। बिहार के सरकारी स्कूल में होगी अब हाईटेक पढ़ाई। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को खास तौर पर काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि सरकारी स्कूल में पढ़ रहे छात्रों के लिए सरकार भी अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रही है, जिसके तहत स्कूल में अब हाईटेक पढ़ाई शुरू होने वाली है, जिसके तहत ही शिक्षा विभाग के निर्देश पर ई लाइब्रेरी और डिजिटल बुक से बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था हो रही है। बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम द्वारा ई लाइब्रेरी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें सारी किताबें डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्ध कराई गई है। शिक्षा विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए भी ई लाइब्रेरी के जरिए डिजिटल बुक फॉर्मेट में ही उपलब्ध करवाया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिहार को दिया रेड अलर्ट। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बिहार में कोविड-19 के मामलों के बढ़ता हुआ देख करके रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी तरफ से चिकित्सकों को लेकर अपनी चिंता खास तौर पर व्यक्त की है, क्योंकि लगातार पिछले कई महीनों से चिकित्सक बिना रुके हर दिन बिहारवासियों की सेवा कर रहे हैं। इसी क्रम में कई चिकित्सक कोविड-19 की चपेट में भी आ गए हैं। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार लगभग 15% चिकित्सक कोविड-19 की चपेट में नजर आए हैं। ऐसे में IMA ने साफ तौर पर कहा है कि अगर चिकित्सा व्यवस्था ही डाबाडोल हो गई है तो बिहार को बचाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसको लेकर के IMA की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्रालय को भी एक पत्र जारी किया गया है। कोविड-19 के माहौल के बीच हर खेत के सर्वे का काम हुआ शुरू। कोविड-19 का प्रभाव जोर शोर से देखने को मिल रहा है। इसी बीच कोविड-19 का असर विभिन्न विभागों पर भी देखने को मिल रहा है। अधिकारियों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से हर खेत को सिंचाई के सर्वे का काम बाधित हो गया है। पहले इसे 15 मई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। अब ताजा हालात में इसे मई के अंत तक या जून के पहले सप्ताह में पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट हर खेत को सिंचाई का सर्वे 18 जनवरी से शुरू हुआ था और इसे 100 दिन में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। कोविड-19 के माहौल में तेजस्वी यादव ने वेतन भत्ता देने का किया ऐलान। कोविड-19 के माहौल में भले ही बयानबाजियों के क्रम में विपक्ष और पक्ष एक दूसरे के आमने सामने नजर आते हो, मगर कोविड-19 के माहौल को देखते हुए विपक्ष भी लगातार आम लोगों की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में राजद की तरफ से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी पार्टी के सभी विधायक अपना वेतन और भत्ता सरकार को देने के लिए तैयार है, बशर्ते उसका इस्तेमाल महामारी से पीड़ितों के लिए किया जाए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बीते दिन इस बाबत बयान भी जारी करते हुए कहा कि महामारी से निपटने के लिए विपक्ष के तौर पर राजद अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। मर्चेंट नेवी का क्रू मेंबर अभिनव जर्मनी से हुआ लापता। सोनपुर के परवेजाबाद के रहने वाले और जर्मनी में मर्चेंट नेवी में क्रू मेंबर के तौर पर कार्यरत अभिनव कुमार लापता हो गए हैं, जिसके लापता होने की खबर सुनने के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों के मुताबिक अभिनव कुमार मर्चेंट नेवी के क्रू मेंबर के तौर पर हाउसकीपिंग के रूप में तैनात थे। इसी दौरान बीते 21 अप्रैल को कंपनी से फोन आया कि अभिनव कुमार मिसिंग है, जिसके बाद परिवार वालों ने स्थानीय प्रशासन से लेकर छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक गुहार लगाई ताकि अभिनव के पता लगाने में मदद मिल सके। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे आयशा शर्मा की। आयशा शर्मा भारतीय फिल्म उद्योग की 29 वर्षीय खूबसूरत अभिनेत्री हैं। उनका जन्म 24 जनवरी 1989 को भागलपुर बिहार में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन दिल्ली में अपने दादा दादी के साथ बिताया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा स्प्रिंग गेल्स स्कूल दिल्ली से की और बाद में अमिटी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग नोएडा से बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक किया। आपको बता दें आयशा शर्मा बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री नेहा शर्मा की बहन है। वहीं आयशा शर्मा ने अब तक के अपने करियर में कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है, साथ ही एडवर्टीजमेंट में भी काम किया है। हालांकि अभी नेहा शर्मा और आयशा शर्मा को बॉलीवुड में कोई बड़ा ब्रेक तो नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों अभिनेत्री आने वाले समय में बिहार का नाम और रोशन करेंगी।
बिहार बोर्ड से इंटर परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। बिहार बोर्ड से इंटर पास करने वाले छात्रों के लिए बिहार बोर्ड ने हाल ही में खुशखबरी जारी की है, जिसके तहत अब इंटरमीडिएट पास विद्यार्थियों को अब उच्च शिक्षा में ट्यूशन फीस में छूट देने का ऐलान किया गया है, जिसके बाद चयनित छात्र बोर्ड की वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर सूची देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बोर्ड की तरफ से जिन विद्यार्थियों को चुना गया है, सिर्फ उन्हीं छात्रों को आगे स्नातक में नामांकन लेने के लिए उन्हें ट्यूशन फीस में छूट दी जाएगी। ध्यान रहे, बिहार बोर्ड ने पहचान के लिए छात्रों और छात्रा का नाम के साथ साथ उनके अभिभावक का नाम, रोल नंबर, रोल कोड और परीक्षा में मिले कुल अंक भी डाले हैं। आरा में केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने डॉक्टरों के साथ मारपीट करने पर दिया अपना बयान। कोविड-19 के माहौल में जहां डॉक्टर लगातार मरीजों का इलाज करने में लगे हुए हैं, वहीं कई ऐसे अस्पताल भी हैं जहां पर डॉक्टरों को परिजनों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर आरा में सदर अस्पताल का निरीक्षण करने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह बीते दिन पहुंचे थे। अस्पताल के चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट और अस्पताल में तोड़फोड़ की घटनाओं पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करता है तो ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। यही नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों से बुरा बर्ताव करने वालों की पिटाई भी होगी। बिहार में अगले 24 घंटे में बढ़ेगा तापमान। बिहार में अगले 24 घंटे में तापमान बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 24 घंटे पर और ज्यादा गर्म होने वाले हैं। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के मुताबिक 27 अप्रैल से एक बार पुरवैया हवा चल सकती है, जिसमें तापमान में गिरावट दर्ज होगी। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि 27 अप्रैल से बिहार और हिमालय के तटवर्ती क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के चलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक अगले 24 घंटे में राज्य के पूर्वी भाग में आंधी पानी का आसार दिख रहा है। शुक्रवार से पछुआ का प्रभाव शुरू हुआ है, जिससे पारे में आंशिक बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन मौसम यह संकेत दे रहा है कि फिर से 24 या 25 अप्रैल से राज्य भर में पूर्वा प्रभावी हो जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चलाया जा रहा है अभियान। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच पटना एयरपोर्ट पर खास एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत पार्किंग व्यवस्था में तब्दीली की गई है। यात्री अब एयरपोर्ट पर 3 मिनट से ज्यादा समय तक गाड़ी खड़ी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही यात्री कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, इसको लेकर लगातार लाउडस्पीकर से उद्घोषणा की जा रही है, लोगों को सतर्क किया जा रहा है। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पटना एयरपोर्ट पर कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को हिदायत दे दी है। आपको बता दें, कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच यात्रियों की संख्या एयरपोर्ट पर हर दिन बढ़ती जा रही है। वहीं राजधानी पटना में लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पटना एयरपोर्ट ने भी यात्रियों के लिए बड़े नियम कानून और कड़े नियम कानून को लागू कर दिया है। वेब सीरीज में नजर आएंगे लालू राबड़ी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी जल्द ही वेब सीरीज में नजर आने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव और उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी के जीवन पर महारानी नाम से वेब सीरीज बन रही है। खबरों की माने तो एक्टर सोहम शाह इस महारानी में लालू की भूमिका में नजर आएंगे। नेटफ्लिक्स के लैला में अपनी भूमिका से लोगों का दिल जीतने वाली हुमा कुरैशी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के रोल में नजर आएंगी। हुमा कुरैशी वेब सीरीज महारानी में रानी भारती के रूप में दिखेंगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर फिल्म सुभाष कपूर उस शो को बना रहे हैं। प्राकृतिक आपदा के नाम पर लोजपा ने नीतीश कुमार का किया घेराव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्ष के निशाने पर है, क्योंकि बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष की तरफ से बयानबाजियों का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र विवेक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में मौत का तांडव जारी है, लाशों का ढेर लगा हुआ और नीतीश जी आप कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा है। सुरेंद्र विवेक इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए आगे कहा कि आपने बिहार में कोरोना से बचाव की सभी तैयारी पूरी कर लेने की बात कही थी, फिर भी बिहार के अस्पतालों में कहीं बेड नहीं मिल रहा है और ना ही ऑक्सीजन। कहां गई आपकी तैयारी? आपने तो कहा था ऑक्सीजन बेड सहित दवाई सभी अस्पताल में उपलब्ध है, लेकिन आज बिहार की जनता तड़प रही है। कोविड-19 संकट पर एक्शन में आई मोदी सरकार। कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच अब मोदी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई ऑक्सीजन उपलब्धता की समीक्षा बैठक में ऑक्सीजन को लेकर अहम फैसला लिया गया। इसके तहत मेडिकल ऑक्सीजन, उसके उपकरण और कोरोना वैक्सीन पर 3 महीने के लिए कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस को माफ कर दिया गया है। केंद्र के इस फैसले से अब इनके दाम कम हो जाएंगे, इससे जनता को राहत मिलेगी। इसके साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स तालमेल से एक साथ काम करेंगे और ऑक्सीजन एवं मेडिकल सप्लाई की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से अहम मानी जाती है। दिल्ली में टेलीविजन पर पहली बार रंगीन प्रसारण की 1982 में शुरुआत आज के दिन हुई। बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार और निर्देशक आमिर खान को 2008 को सिनेमा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान का विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय नौसेना ने 2010 में पुराने हो चुके चेतक हेलीकॉप्टर को जगह नए लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया शुरू की। भारत के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी IM विजयन का 1969 में जन्म आज के दिन हुआ। 2000 में भारतीय हिंदी फिल्मों के सुप्रसिद्ध कथा पटकथा और कहानी लेखक पंडित मुखराम शर्मा ने आज के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। बिहार में कोविड-19 के मिले फिर से 12,000 से ज्यादा मामले। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 12,359 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 81,960 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 141, अरवल में 132, औरंगाबाद में 676, बांका में 158, बेगूसराय में 509, भागलपुर में 695, भोजपुर में 223, बक्सर में 163, दरभंगा में 137, ईस्ट चंपारण में 284, गया में 745, गोपालगंज में 134, जमुई में 186, जहानाबाद में 267, कैमूर में 62, कटिहार में 214, खगड़िया में 149, किशनगंज में 87, लखीसराय में 70, मधेपुरा में 140, मधुबनी में 141, मुंगेर में 391, मुजफ्फरपुर में 447, नालंदा में 514, नवादा में 161, पटना में 2479, पूर्णिया में 352, रोहतास में 252, सहरसा में 270, समस्तीपुर में 222, सारण में 520, शेखपुरा में 59, शिवहर में 65, सीतामढ़ी में 138, सिवान में 256, सुपौल में 242, वैशाली में 240, वेस्ट चंपारण में 397 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 43 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर हम बीते दिन के पिछले 24 घंटे की बात करें तो कुल मिलाकर के 6,741 मरीज ठीक हो गए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3,06,753 पर पहुंच गई है। कोविड के कहर के बीच बिहार महावीर मंदिर में बढ़ाया मदद का हाथ। बिहार में कोविड-19 के कारण परिस्थिति लगातार खराब होती जा रही है। वहीं इसी बीच पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर प्रबंधन ने लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। प्रबंधन समिति ने कोविड मरीजों को मुफ्त इलाज, ऑक्सीजन, दवाओं की किट, एम्बुलेंस, अंतिम यात्रा वाहन देने सहित कई सुविधाएं देने की घोषणा की है। मंदिर न्यास द्वारा संचालित बेगूसराय स्थित महावीर अग्रेसन सेवा केंद्र को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कृणाल ने बताया है कि ऑक्सीजन आदि जरूरी तैयारी के बाद अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली का जारी किया आदेश। बिहार में कोविड-19 की परिस्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन हाई लेवल बैठक बुलाई थी, जहां पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली को लेकर उन्होंने आदेश जारी किया है। इसके बाद अब यह तय किया गया है कि अब बिहार में जितने भी डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्तियां खाली हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वॉक इन इंटरव्यू का विकल्प पेश करते हुए जल्द से जल्द सभी रिक्तियों को भरने का निर्देश जारी कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में बीते दिन बैठक का आयोजन करवाया गया था, जहां पर विभिन्न जिलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए आदेश जारी किया गया था। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने की सरकार से मांग। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदार पांडे ने हाल ही में सरकार से मांग की है, जिसके तहत उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि सरकार की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार 15 मई तक कोरोना की लहर अत्यंत तीव्र होगी। उन्होंने लोगों की से अपेक्षा की है कि वे ज्यादातर घरों में ही रहे, अत्यंत आवश्यक होने पर ही बाहर निकले। लेकिन अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने जो निर्देश जारी किया है उसके अनुसार 33% अध्यापकों की उपस्थिति आवश्यक है, जिससे कोरोना के खतरे को कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि विद्यालयों में कम से कम 15% अध्यापक विद्यालय के आसपास ही रहने वाले हैं। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किया एक भावुक संदेश। कोविड-19 के बढ़ते माहौल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहारवासियों के नाम पर एक भावुक संदेश बीते दिन जारी किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट जारी करते हुए कहा कि कोरोना से उत्पन्न विकट समय में स्वास्थ्यकर्मी जिस प्रतिबद्धता के साथ सेवा देकर लोगों की जान बचा रहे हैं उसके लिए वे अभिवादन के पात्र हैं। यह जरूरी है कि हम विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें और डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों को वो सम्मान प्रदान करें जिसके वे हकदार हैं। इसके अलावा उन्होंने बिहार की जनता से सतर्क रहने की अपील की है, साथ ही उनसे सरकार का सहयोग करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण हम लोग मानवता पर आए अब तक के सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं।
डीएम ने कसी एम्बुलेंस संचालकों की नकेल। कोविड 19 के बढ़ते माहौल के बीच बीते दिन राजधानी पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने एम्बुलेंस एजेंसियों के द्वारा कोविड 19 मरीजों के परिवहन पर मनमानी वसूली करने को लेकर नकेल कसना शुरू कर दिया है। उन्होंने इन एजेंसियों पर नकेल कसने की मंशा से ही शनिवार को बैठक बुलाई थी, जिसके तहत राजधानी के सभी एम्बुलेंस एजेंसियों की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि कुछ एम्बुलेंस चालकों की तरफ से कोविड 19 और उनके सदस्यों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। इस बैठक में शामिल राजधानी की 19 एम्बुलेंस एजेंसी मौजूद थी, जिन्होंने जिलाधिकारी को बताया कि कोविड 19 में चालकों के ऊपर खर्च बढ़ गया है। उनके लिए पीपी किट, मास्क, फेस शील्ड आदि का खर्चा बढ़ गया है। यही कारण है कि एम्बुलेंस वालों को समय पर ज्यादा पैसा भुगतान करना पड़ रहा है। आज एक दूसरे से भिड़ेंगे दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद आज चेन्नई में एम चिदम्बरम स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ने वाले हैं। हालांकि आज का मैच कई मायनों में दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज डेविड वार्नर अपने नाम कई सारे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार डेविड वार्नर अगर इस मैच में अर्धशतक बनाते हैं तो वो आईपीएल में अपने 50 अर्धशतक पूरे कर लेंगे। वो ऐसा करने वाले आईपीएल इतिहास के पहले बल्लेबाज बनेंगे। इसके साथ ही डेविड वार्नर अगर इस मैच में एक छक्का लगा देते हैं तो वो आईपीएल इतिहास में 200 छक्का लगाने वाले सातवें बल्लेबाज बन जाएंगे। उनसे पहले आईपीएल में 200 छक्के लगाने का कारनामा गेल, डिविलियर्स, रोहित, कोहली, पोलार्ड और धोनी कर चुके हैं, जिसके बाद आज ये देखना दिलचस्प होगा कि डेविड वार्नर आज खेले जाने वाले मैच में रिकॉर्ड बना पाते हैं या नहीं। व्हाट्सएप पर अब अपने मन मुताबिक बदल सकते हैं वॉइस मैसेज की स्पीड। व्हाट्सएप यूजर के लिए खुशखबरी। व्हाट्सएप अपने यूजर को बढ़िया सुविधा देने के लिए कई फीचर पर काम कर रहा है। इनमें से एक फीचर को व्हाट्सएप ने अपने बीटा यूजर के लिए रोल आउट कर दिया है। इस फीचर की मदद से यूजर अलग अलग स्पीड में वॉइस मैसेज को प्ले कर सकेंगे, यानी कि आप चाहे तो उस वॉइस मैसेज को फास्ट स्पीड में सुन सकते हैं या धीमी स्पीड में सुन सकते हैं। नया फीचर व्हाट्सएप एंड्रॉइड के बीटा वर्जन 2.21.9.4 में मिल रहा है, लेकिन पिछला वर्जन भी इसे सपोर्ट करता है। इसके बाद यह साफ है कि जल्द ही सभी व्हाट्सएप यूजर को इस फीचर का अपडेट मिल सकेगा। मालदीव वेकेशन पर जाने वालों पर भड़के नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अपने अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने बयानों के लिए भी सुर्खियों में रहते हैं। इसी बीच उन्होंने मालदीव जाकर छुट्टी मनाने वालों पर भी नाराजगी बीते दिन जाहिर की है, जिसके तहत स्पॉट बॉय से बातचीत में नवाज ने कहा कि कई फिल्मी हस्तियां इन दिनों अपने मालदीव वेकेशन पर है, जहां से वो अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। यह काफी शर्मनाक है, क्योंकि इस समय दुनिया सबसे खराब स्थिति में है। देश मंदी की चपेट में है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसे में ये लोग पैसे फेंक रहे हैं, कुछ तो शर्म करो। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 24 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,050 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,050 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 68,700 रुपए था। राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 92.74 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 84.14 रुपए प्रति लीटर था। बिहार में काबा फेम नेहा सिंह राठौर की मदद के लिए आगे आए तेजस्वी यादव। बिहार में काबा गाने से चर्चा में आई नेहा सिंह राठौर ने बीते दिन अपना एक वीडियो जारी किया है। इसके बाद से ही लगातार उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नेहा सिंह राठौर अपनी माँ के लिए गुहार लगाती नजर आ रही है, क्योंकि उनकी माँ कोविड 19 पॉजिटिव है। इसके कारण उनके इलाज को लेकर के नेहा सिंह राठौर ने भावुक वीडियो बीते दिन शेयर किया है, जिसके तुरंत बाद बिहार के नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने मदद का आश्वासन देते हुए जानकारी दी है कि उनकी मदद की जा रही है। बिहार राजद के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और कैमूर जिले के रामगढ़ से राजद विधायक सुधाकर सिंह उनकी मदद की व्यवस्था कर रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लग रहा है उनके नाम है गिरीश कुमार, पप्पू कुमार, रेशमा सिंह, अंजनी कुमार, दिलीप कुमार, रोली कुमारी, पिंकी कुमारी, लाली सिंह, सूरज कुमार, रवि कुमार, धर्मेंद्र कुमार, कुमार मोहित, आदर्श कुमार, विकी कुमार, आलोक कुमार, विशाल कुमार, सनी कुमार, कुमार राकेश कुमार, इंद्रा सिंह, ऋषभ राज कुमार, सौरभ, शुभम कुमार। इसके अलावा हमारी टीम के और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते हैं, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड 19 के माहौल में लगातार 14 महीने से काम कर रहे डॉक्टरों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल